अस्सलाम वालेकुम। खाने की चाहत में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, चटपटी चटपटी वाली, बहुत ही मज़ेदार वाली चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 5 किलो टमाटर। तो इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी। ये देखें, सिर्फ 1 कप पानी डाला है मैंने इसमें, और इसे मैं तवे में चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये भारी बर्तन नहीं है तो इसलिए मैं तवे में चढ़ा दूँगी। देख सकते हैं मैंने चढ़ा दिया। बहुत ही अच्छे टमाटर हैं ये, आजकल बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, रेड रेड, ये देखें, और सख्त है, ये नहीं कि नरम टमाटर हैं, बहुत अच्छे वाले टमाटर आ रहे हैं। तो मैंने अपने पास बना रही थी तो आप लोग के पास भी मैंने सोचा शेयर कर लूँ। तो ये 5 किलो टमाटर है, इसको मैंने फुल आँच पर कर दिया क्योंकि नीचे तवा चढ़ा है, इसको स्टीम देना है मुझे। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। अभी ये थोड़ा सा स्टीम आ जाए इसमें तो मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। देख सकते हैं टमाटर 5 मिनट में ही मेरा टमाटर, ये देखें, इसका खुद का पानी है, मैंने पानी नहीं डाला, ये देखें। तो इसकी स्किन जो है वो मैं निकालूंगी, लेकिन ठंडा होने के बाद। मैंने पहले फुल आंच किया, उसके बाद हल्की आंच, कम से कम 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच में रख दिया, और इसमें से खुद से इसका अपना पानी निकला है। तो अब मैं इसको ठंडा करूंगी, इसका स्किन निकालूंगी, फिर आप लोगों को बनाते हुए दिखाऊंगी चटनी। तो मैं ढाँक के रख देती हूँ अभी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ। देख सकते हैं टमाटर मेरे ठंडे हो गए हैं। अब इसके जितने भी स्किन है ना, ये स्किन है, ये सब मैं निकाल लूँगी। निकाल के फिर मैं दिखाती हूँ चटनी कैसे बनती है। ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके जितने भी स्किन थे ना वो सब निकाल लिया है, ये देखें। अब इसको मैंने फिर से चूल्हे में चढ़ा दिया है, यानी ठंडा करके स्किन निकाला मैंने पहले, उसके बाद चूल्हे में चढ़ा दिया, ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हसबे जायका नमक, ये देख सकते हैं नमक डाल दिया मैंने, वो वैसे बाद में भी नमक डाल सकता है अगर कम हुआ तो। और मैं अब डालूंगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी हल्दी। बस ये सब को करके मुझे पकाना है, और मैं हल्की आंच में ही इसे रख देती हूँ ताकि ये पकता रहे। पहले तो आप लोग तेज़ आंच में करिएगा, उसके बाद हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दीजिए। सकते हैं इसका पानी बस थोड़ा थोड़ा रहता है अभी, ये पानी थोड़ा जो दिख रहा है आप लोगों को वो तो मुझे सुखाना है, सही है। इस तरह मेरे को सारा पानी सुखा के, देख सकते हैं जो चटनी है ना उसका पानी सारा सूख चुका है। अब इसको मैं तड़का दूंगी। ये पूरा बन चुकी है चटनी, ये देखें, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पानी पूरा सूख चुका है। अच्छा, तड़का है, मैं इसको दूंगी चटनी को, तो उसके लिए मैंने साबित मिर्च रखी है, लहसुन है 10-15 जवे के, और ये है कड़ी पत्ता, और ये है सफ़ेद ज़ीरा। तो मुझे इसमें ऑयल डालना है, देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले डालूंगी साबित मिर्च, ये मैंने डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन, जीरा और कड़ी पत्ता मैं एक साथ डाल दे रही हूँ। मैं डालूंगी, ये देख सकते हैं, मेथी दाना है, कलौंजी है, और मस्टर्ड सीड है, तो यानी कि सरसों का बीज, सरसों के बीज हैं। तो ये मैं
एंड में ये डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया, चलाऊंगी थोड़ा सा। अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। फौरन मुझे इसमें डालना है। सकते हैं मेरी चटनी, तड़का भी दे दिया है मैंने इसमें, और ये बहुत ही मज़े की चटनी बनी है। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली रेसिपी में मिलते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। टमाटर बहुत सस्ते आए हुए हैं, बहुत सस्ते आए हैं ये, अभी महंगे एक दो दिन में ही महंगे हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग टमाटर लाइए और ये चटनी बना के रख लें किसी भी जार या डब्बे में, और आराम से एक महीने आप लोग खाएं। बहुत महंगे हो जाएंगे ये। 5 किलो टमाटर की इतनी सी चटनी बनी है, आप देख सकते हैं। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, अगले रेसिपी में मिलते हैं।